आज हमारे यूरो कॉम्युनिकॉन इस सम्मेलन में आए हुए सभी चिकित्सक गण का मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे चिर परिचित चेहरे भी सामने हैं और मंच पर हमारे बहुत ही सारे चिर परिचित, और मैं देख रहा हूँ कि जो बिहार में भी और देश में भी खास करके यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती के रूप में बड़ा काम किया है हमारे भाई भी हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, और सब प्रकार के आप संस्थान में भी रहे, अभी नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसके भी आप माननीय सदस्य हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक बार की बात है कि जब हम लोग दिल्ली से चले ट्रेन में, इतने मजाक करते हैं कि रास्ते भर इन्होंने पटना से चले दिल्ली तक हंसते हंसते आए, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ बैठे हुए भाई डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, डॉक्टर राजीव टीपी, डॉक्टर अनिल गोयल, और विशेष करके जिन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया डॉक्टर अनुप, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। अभी हमारे हरिवंश नारायण सिंह जी जा चुके हैं, मैं अभी एक दूसरे कार्यक्रम में, आप सभी जानते हैं कि आज विश्व अंगदान, भारत का 10वां अंगदान दिवस है और देश भर के बड़े कार्यक्रम वहाँ पर चल रहे थे, इसलिए मुझे वहाँ से आने में विलम्ब हुआ। इस वर्ष मैं कोची से जाकर किसी कार्यक्रम में आ गया था और फिर आपके साथ मैंने केवल अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए आया हूँ, मुझे और भी अन्य कई कार्यक्रम होते हुए बिहार भी जाना है। भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन मैं जेल में, बिहार जेल में जब मैं 74 के आंदोलन में, उस समय इमरजेंसी में मेरे दोनों किडनी को पुलिस ने रौंद दी थी और मैं 7 साल तक पेशाब में मुझे ब्लड आता था। आप में से बहुत लोग जानते होंगे डॉक्टर आरवीपी सिन्हा, जो बहुत बड़े डॉक्टर भी रहे और मैं तो कहूँगा कि उन्होंने मेरे जान को बचाने का काम किया। इमरजेंसी में वर्षों तक जेल में अस्पताल में रहना पड़ा था और मैं उस बीमारी से 7 साल तक ग्रसित रहा, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, और फिर मैं उस बीमारी से अब मुक्त हो गया। ये इसलिए मुझे यूरोलॉजी की जब बात आती है तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, वो घटनाएं सारे जेल की और बाहर की अस्पताल की। तो मैं आज इस विषय पर बड़ा ही, मेरा कोई गहरा अध्ययन नहीं है, इस कार्यशाला में यहाँ आप सभी उपस्थित हुए हैं और सम्मान महसूस कर रहा हूँ। जो यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, मैं संगठन सचिव जो है डॉक्टर अनुप कुमार जी का बहुत आचार्य भी है और विभाग अध्यक्ष है अभी यूरोलॉजी और रेनल ट्रांसप्लांट प्लांट के सफदरजंग अस्पताल में, उन्होंने यूरो कम्युनिकेशन की उत्कृष्ट पहल के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जो यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का सदस्य विकास पहल के उद्देश्य से एक अनूठा सम्मेलन इन्होंने इस अवसर पर किया है। कुछ दिन पहले एक और सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला था और फिर आज ये सम्मेलन का जो मुख्य आकर्षण है, आप सबके सबको मालूम ही है कि मुखर संचार, पेशेवर दृष्टिंग, टेलीफोनिक संचार, मेडिको लीगल संचार, पेशेवर और हेतु लिखित और बोले जाने वाले संचार के कई अन्य पहलुओं के साथ चिकित्सा दस्तावेजों को
डिटॉक्सिफाई करना ये आपका मुख्य उद्देश्य है। और इन दो दिनों के कार्यक्रम में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की मदद से इस क्षेत्र में उत्कृष्ट राष्ट्रीय संकाय सदस्य भी यहाँ शामिल है। पहले का जैसा कि हम जानते हैं कि पेशेवर लापरवाही से मुकदमेबाजी के साथ डॉक्टरों पर आए दिन हिंसा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और अभी हम लोगों ने डॉक्टर और प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग बना रहे हैं, उसको पार्लियामेंट में लाएंगे, पूरी तैयारी हो गई है और उसमें हर प्रकार की चीज़ों को हम लोगों ने जोड़ा है। ना केवल डॉक्टर तो है ही, लेकिन उसके साथ जो अस्पताल के उस डॉक्टर के सेवा कार्य में लगे हुए जो रोगियों के लिए अन्य सहयोगी होते हैं उनको भी हमने जोड़ने का काम किया है। और एक बहुत बेहतर वो एक्ट बन रहा है हमारे पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा के माननीय सांसद भी है, अभी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से उसको सजाने का काम किया था और अब उसको अंतिम रूप देने वाले हैं। तो मुझे खुशी है डॉक्टर हर्षवर्धन जी हम सब लोगों ने मिल करके उसको बहुत चिंतन किया और अब वो स्वरूप जस्ट आपके सामने आने वाला है। तो ये मामला बड़ा ही संवेदनशील और डॉक्टर रोगी का जो संबंध है उस पर पूरी तरह से वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो दांव पर चला जाता है। जहाँ रोगी देवो भव, हमारे संस्कृति में स्वामी विवेकानंद कहते थे अतिथि देवो भव, रोगी देवो, रोगी भी देवता के समान होते हैं और डॉक्टर दूसरे भगवान के रूप में डॉक्टरों को जानते हैं। तो आज निश्चित रूप से रोगियों के बीच और डॉक्टर के बीच जो कभी कभी क्लेश हो जाता है और वह एक दूसरा हिंसक रूप ले लेता है तो बहुत ही कष्ट होता है। जिस काम के लिए अस्पताल में आप रोगियों को दूसरे भगवान के रूप में उपयोग में आते हैं आप आते हैं और आपको अगर वो पीड़ा कष्ट सहना पड़ता है तो वो दुखदायी है। और इसलिए आप लोगों ने समय समय पर आप लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया है कि आप अनावश्यक किसी प्रकार के हिंसा का शिकार न हो और न हिंसक गतिविधियों में कोई वहाँ शामिल रहे। तो इस विषय पर भी बातचीत हुई थी। डॉक्टरों के प्रमुख मुद्दों के बारे में जागरूक करना और वे इन संवेदनशील मुद्दों में आत्मविश्वास के साथ निपटने का मैं सक्षम हो गया, ऐसा हमारा प्रयास है। सफदरजंग अस्पताल भारत के सबसे बड़े केंद्र सरकार के अस्पताल में से एक है। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था और काफ़ी कह सकते हैं कि वो पुराना अस्पताल एक नए अस्पताल का स्वरूप धारण कर लिया है और सरकारी अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड में डॉक्टर हमेशा मौजूद हो जाते हैं और लगातार तनाव में रहते हैं। उस कारण कई बार मुझे लग रहा है कि एकेडमिक ज्ञान और सर्व चिकित्सा कौशल में सुधार इन सभी चीज़ों के बारे में आप पहल कर रहे हैं और डॉक्टरों के बीच संचार कौशल में सुधार की भी सख्त जरूरत है। रोगियों और उनके रिश्तेदारों के प्रति अधिक दबाव दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, खासकर जब वे अपनी बीमारी के कारण काफ़ी गंभीर तनाव में रहते हैं। तो जहाँ ये ठीक है कि एक आध लोग इस प्रकार की घटना कर देते हैं जिससे पूरे चिकित्सक समुदाय और पूरा देश कलंकित हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपस के इस संबंधों में जब डॉक्टर हमारे भगवान हैं, रोगी देवो हो, रोगी भगवान है, तो दोनों के बीच में तालमेल तो आप रोगियों को अच्छा करते हैं लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ इस प्रकार के कुछ ऐसे गलत लोगों के कारण जो स्थिति असामान्य हो जाती है वह बड़ा ही दुखदायी और चिंताजनक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसकी भी पहल होनी चाहिए और वो पहल आप बेहतर कर सकते हैं और साथ साथ लोगों को भी जागरूक करके ताकि जो रोगी और डॉक्टरों के बीच में तनाव ना हो, वो एक दूसरे को रोग मुक्त होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और आप उसके लिए बिना जात बिना पात बिना किसी पूछताछ का बराबर सेवा में लगे रहते हैं। यह सेवा का भाव है, मानव सेवा, माधव सेवा।
आपने उसको मानव सेवा में प्रवीण किया, जन सेवा, जनार्दन सेवा, और घर से अगर नारायण की किसी की प्राप्ति होनी है तो निश्चित रूप से उसको मानव सेवा करना है। तो मानव सेवा के बिना मानव नहीं है। मुझे आप खुशी है कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुला करके सम्मानित किया, और आप जानते हैं कि भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पहले से ही डॉक्टरों के खिलाफ जो हिंसा पर कानून को मजबूत कार्यान्वयन पर काम कर रही है, मैंने पहले ही बताया, और वह कानून इन लोगों को 10 साल तक के लिए कैद करना और दंडित करने का भी उस पर प्रावधान हमने करने का प्रयास किया है। खास करके जो ऑन ड्यूटी डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों पर हमला करते हैं, नैदानिक प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को गंभीर रूप से घात आहत करने वालों को 3 से 10 साल के बीच कारावास का मामला सामने करना पड़ सकता है, ऐसा प्रावधान करने का उसमें नियम हुआ है। 2 से 10 लाख रुपये के बीच जुर्माना हो सकता है। साथ साथ जो अस्पतालों को क्षति करते हैं उसका अलग से भी, उसके लिए अलग सजा है, अलग जुर्माना, तो ताकि लोगों में तब तक ये कठोरता ना हो। तो मैंने पहले कहा कि कुछ लोग हैं, चंद लोग इस प्रकार के काम करते हैं, अधिकांश लोग डॉक्टर बाबू कहकर के अपने रोगियों को बढ़िया से बेहतर इलाज कराने का प्रयास करते हैं। और मुझे खुशी है कि हेल्थ केयर पेशेवरों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ये मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं, और मेडिकल छात्र स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में डायग्नोस्टिक सर्विंग प्रोवाइडर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को लिस्ट में हमने शामिल किया है, ताकि वो सभी लोग इसमें सम्मिलित रहें। अभी हाल में ही संचिका हमारे पास आई थी, काफ़ी डिस्कशन किया, तो जो चीज़ें मुझे जुड़वाना था उसको मैंने जुड़ाया कि जो भी चिकित्सा सेवा में सहयोगी होते हैं उन सब लोगों को उसमें जोड़ना उचित होगा। और यह सम्मेलन कोई झालर नहीं, कम बजट और कुछ गुणवत्ता वाला कार्यक्रम होने के कारण भी अद्वितीय है। मुझे आशा है कि इस तरह के सम्मेलनों डॉक्टरों और रोगियों के बीच नाजुक संबंधों में अवश्य सुधार होगा, इससे डॉक्टरों की हिंसा और मेडिकल जो लिटिगेशन है उससे बचने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। विशेष करके मैं डॉक्टर अरुण कुमार को फिर से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी कुशलता से इस तरह के अनूठे सम्मेलन और का आयोजन भी करने का काम किया है, और यह अत्यधिक प्रशंसनीय है कि वह न केवल अपने रोबोटिक सर्जिकल कौशल के माध्यम से मरीजों की देखभाल में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टरों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आवश्यक हमेशा कुछ लोग कभी कभी इस प्रकार के काम कर बैठते हैं, तो थोड़ा मैं तो बार बार कहता हूँ कि चिकित्सक तो भगवान तो है, और मैं कहता हूँ कि मुझे दूसरे जन्म में जरूर चिकित्सक बनाना। मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि अगला जन्म हमारा चिकित्सक का हो तो बेहतर होगा सेवा करने के लिए। और से डॉक्टर अजय जी आप तो पॉलिटिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, आपको कौन बता सकता है? आपको सरस पता है डॉक्टर, भले ही मैं कहता हूँ कि डॉक्टर के साथ ये अच्छे राजनीति का खुशी होगा। मैंने कहा कि अश्विनी कुमारों जो देवताओं के वैद्यराज हैं, तो मेरा नाम माता पिता ने बचपन में मैं युवाओं कह के पुकारा जाता था, और विद्यालय में गया कल्ली चुने के लिए पिताजी के साथ, तो नाम मेरा उस दिन बदल दिया गया। मैं बहुत रोया, और जब मैं घर पर आया तो मेरे दादी माँ से कहा कि मेरा नाम क्यों बदला? बोला बेटा देखो अश्विनी कुमारों का मैंने ही नाम रखा है, वो देवताओं के भगवान जो देवता है उसके भगवान के डॉक्टर कंट्रोल हो जाता है, और पूरा डॉक्टर सवाल बदनाम हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सवाल कभी बदनाम हो, ये डॉक्टर सवाल पेशे के लिए आप पूर्ण रूप से हैं, हमारे यहाँ शास्त्र में भी कहा गया है, और आप सभी जानते हैं कि भगवान ने हमें ये कहा दिया जी की जल पावक गगन परिवार पंच तत्व निर्मित यह अतत्व,
ये पांच तत्वों से निर्मित शरीर है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। हमें इस पंच तत्व की भी रक्षा करना है और पंच तत्व ही हमारे जीवन के रक्षक है, पोषक है। चाहे जितनी भी दवाइयां हो, ये आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, यही पांच तत्व है ना। इस पांच तत्व के बिना कोई तत्व बचता ही नहीं, और यही हमारे रक्षक है। कोई दवाई बनता बिना इस पांच तत्व का दवाई बन नहीं सकती। इसलिए मैं चाहूंगा कि पंच तत्व की रक्षा भी हम लोग करें। और अंत में जो मैंने कहा, मानव सेवा, माधव सेवा, निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं। नौ तम कामे राज्यम, नौ तम कामे राज्यम, नौ स्वर्गम नौ पुनर्भवम, कामे तप्तारां फोटोग्राफर प्राणी नामार्थ नाशन। ना तो मुझे स्वर्ग की इच्छा है, ना ही मुझे राज्य की कामना है, और ना ही सुख और मुक्ति की चाह है। अगर कामना है तो इस पृथ्वी पर पीड़ित मानवता की सेवा करना, यही हमारी अंतिम कामना है। मुझे लगता है कि यही मानव सेवा, मानव सेवा के रूप में हम सब लोगों को कह सकते हैं कि अनुप्राणित करेगा। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी चिकित्सकों का पुनः हृदय से स्वागत करते हुए आपका अभिवादन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और इस कार्यक्रम की, इस सम्मेलन की सफलता के लिए भी मैं कामना करता हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि मैं कल कोची में और वहाँ चिकित्सकों के बीच था, आज दिन भर चिकित्सकों के बीच अभी दो कार्यक्रम करके आया हूँ, तीसरे में भी जा रहा हूँ। चिकित्सकों के साथ बराबर मिलना जुलना होता है तो मैं अपने आप को संतोष कर लेता हूँ कि बन नहीं पाया, लेकिन दलित से जाके लौट गया था, लेकिन चिकित्सा परिवार में काम करने का अवसर मिला, मुझे बहुत खुशी है। और अगले जन्म के लिए तो मैंने कहा है, मैंने ठाना है कि अगर मनुष्य जोड़े में जरूर दोगे भगवान, तो मुझे डॉक्टर जरूर बना दे। धन्यवाद। जय जय भाई। धन्यवाद। नमस्कार।